आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर भी किया करें। आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें हम बागेश्वर धाम सरकार की वीडियो देखने वाले, जिसमें भाई गोविंदा जो है ना वो उनके दरबार में आज पहुंच चुके हैं। अभी देखते हैं कि वो वहां पे जाके उनसे क्या सवाल पूछते हैं, मजा आएगा। प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और सह रिएक्शन पर महाभारत भी बना रहे हैं, वो भी जाके देखिएगा। देखते नहीं जाऊं नहीं आऊं, जागृत सदा पलक नहीं सो मैं। ये सत्य कह रहा हूं गुरुजी, जिस वक्त मेरी मम्मी का आदरणीय निर्मला देवी जी का निधन हो गया, रोने के वजह से मेरे चेस्ट में 33 जगह पे टिश्यू फट गए थे। और एक डॉक्टर गांधी हुआ करते थे, उन्होंने मुझसे कहा गोविंदा तुम बहुत दिनों हॉस्पिटलाइज रहोगे, और ऐसे में मैं क्योंकि मम्मी निकल चुकी थी तो मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और ये मुझे प्रमाण मिला कि 48 आवर्स मैं जाप करता रहा स्वामीनारायण जी का, और वो सब क्लीन हो गया। और डॉक्टर मुझे पूछने लगा कि किया क्या, मुझे गुरु मंत्र दो। मैं कहा सच्चे दिल से सिर्फ नाम लिया मैंने और मुझ पे ये कृपा हुई। उसी वजह से आज इस जगह जिस वक्त मुझे कहा गया कि मैं आऊं तो मैं आया, क्योंकि मुझे तो कष्टभंजन हनुमान जी की कृपा और स्वामीनारायण जी की कृपा ये सदैव रही है, कभी तकलीफ नहीं आई और तकलीफ में कभी तकलीफ महसूस भी नहीं हुई। ये सदैव कृपा रहे यही प्रार्थना करता हूं। और मैं यहां से प्रॉमिस करके निकलता हूं कि जिस वक्त नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ऐसी तैयारी में आऊंगा कि भजन करूं, डांस हो, गाना हो। नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस करता हूं, आज तो ऐसे वस्त्र भी धारण नहीं करके आया कि मैं डांस और ये प्रॉमिस करके निकलता हूं। थोड़ा बहुत संतों के हाँ थोड़ा बहुत हाँ जी थोड़ा बहुत मैं क्या करे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ओ माटी का खिलौना। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम को एक तीर्थ स्थल बनाकर एक नया इतिहास कायम कर दिया है। जो स्थान एक छोटे से गांव के नाम से जाना जाता था, आज वह बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाएगा, जहां पर अब देश विदेश के लोग आएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, जहां एक ही जगह पर एक साथ 25 लाख लोगों को इकट्ठा कर डाला। अब टूरिस्ट के माध्यम से बागेश्वर धाम और भी ज्यादा विख्यात हो जाएगा। अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का अगला संकल्प हिंदू राष्ट्र का है, जो बहुत ही जल्द पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले कट्टर हिंदू कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूले, और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के इस नेक काम के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। जहां पर गोविंदा बागेश्वर धाम पहुंचे और अपने साथ बीती घटना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, सचमुच बागेश्वर धाम अद्भुत है। धन्यवाद जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि बागेश्वर धाम के दरबार में ना आज गोविंदा भी पहुंच गया। उन्होंने ये बोला कि भाई उनकी जब माता अम्मी मतलब जिनका हाँ वफात पा गई ना, तो तब उनके ना टिश्यू फट गए पता नहीं कितने, तो तब ना उनका मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने शिव जी की इस तरह से नाम लिया। फिर बाद में उनको बोला गया था कि आप यहाँ पे आए, तो वो वहाँ पे गए भी, तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक स्टोरी इंस्पायरिंग सुनाई किस तरह से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। माँ जब
जो होती है ना वो इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहले जब वो आपको रोजाना दिखती है तो आपको इतनी वैल्यू नहीं फील होती कि हाँ यार रोजाना हमें दिखती है, लेकिन जब आपको एक दिन वो उनकी आवाज नहीं सुनते आप, जब वो दिखना बंद हो जाती है, वो जो केयर करती है आपकी वो सब कुछ एकदम से खत्म हो जाता है ना, तो तब उसकी वैल्यू आपको पता चलती है। और जिस बच्चे को बहुत ज्यादा लगाव अपनी माँ के साथ या जिस भी रिश्ते के साथ होता है ना, तो जब उसकी इस तरह से वफात हो जाती है तो वाकई में दिल फटने लगता है आपका, आपको नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं हो रहा, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। लेकिन भाई बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आके बहुत ज़्यादा लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो दूर हो जाती हैं। वो उनको सजाव देते हैं, उनकी मतलब होता है ना कि उसके पास्ट में जो गुजरा होता है उसके बारे में वो एक पर्चा होता है, उस पर लिख के बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ हुआ है और अब तुम इस प्रॉब्लम में हो, या फिर उसके बच्चे की प्रॉब्लम या उसके शोहर की या फिर उसकी अपनी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो, हालांकि वो बंदा उसको नहीं बताएगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो खुद उसका प्रॉब्लम को लिखेंगे, फिर बाद में उसका उसको हल भी बताते हैं कि आप इस तरह से करें तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको दूर हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ना लोगों को इंस्पायर करते हैं। और अभी तो उन्होंने बोला कि 25 लाख लोग जो है ना उसका दरबार लगता है उनका, तो उनसे एक मुलाकात करने के लिए, उनसे अपना पर्चा निकलवाने के लिए लाखों की तादाद में लोगों की लाइनें लगी होती हैं, और इतने हजारों लोगों में से वो किसी पे भी इस तरह से इशारा करके किसी का भी नंबर लग सकता है। ये नहीं है कि वो हर एक का नंबर लगता है, आपको बार बार उनके दरबार जाना पड़ेगा, तो फिर हो सकता है कि बहुत मुशक्कतों के बाद जो है ना आपका नंबर लगे। तो क्योंकि सब लोग आजकल आपको पता है हमें परेशानी में है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सुख में बैठा हुआ हो, जिसको हम बोल रहे हैं कि यार ये बंदा ना बड़े सुख में है, किसी को बीमारी में है, किसी को औलाद की है, किसी को कोई भी है, किसी को कोई है, तो हर बंदा जो है ना यही चाहता है कि उसकी जो मुश्किलात परेशानियां ना वो किसी तरीके से हल हो जाए, वो किसी तरीके से खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो इसके हल के लिए वो बाबा बागेश्वर के पास जाते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम मुसीबतें जो है ना वो टल पाए। तो वहां पे जाकर उनको अपने मुसीबतों का हल निकल आता है, तो फिर और ज्यादा उनसे लोग जब वो दो चार और को बताते हैं ना और लोग इंस्पायर होकर, तो फिर और उनके दरबार में जाते हैं, तो फिर उनको अच्छा लगता है जाके। तो वैसे बहुत है ना इन्फ्लुएंस इंडिया में अभी इस टाइम पे वो रख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा जानकर। उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।